धन्यवाद महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उस पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और भाजपा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो प्रस्ताव लाया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण है, उनका मैं आठवां ये अभिभाषण सुना, और ये जो अभिभाषण उन्होंने दिया, इसकी जो कॉपी वितरित की गई है, पहली बार इस तरह का अभिभाषण है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा कि जो संविधान में जो संविधान हमारे निर्माता रहे हैं उनकी जो सोच रही है इस देश को जहां वो ले जाना चाह रहे थे उसके अनुरूप है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को तीन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से। अभी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, और ये मानव श्रृंखला का जो उद्देश्य था उसमें जो मुद्दे थे, शराबबंदी, दहेज के खिलाफ आवाज, बाल विवाह के विरोध खड़ा होने की आवाज, इसके बारे में बिहार के करीब करीब 5 करोड़ जो हमारी जनता है वो सड़कों पर खड़ा हुई, और इतना बड़ा जो सामाजिक सरोकार का मुद्दा है उस पर समर्थन दिया, और प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इसके लिए इसका जिक्र किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको मैं इसलिए आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ, स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में काम हुआ, ये 2005 के बाद से जब हमारी NDA सरकार बनी थी, ये जितने भी विकास हुए इसका लाभ जो हमारे गरीब लोग हैं उनके घरों में ठीक से नहीं पहुंच रहा था। बिहार की महिलाओं ने, खास करके हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिसकी संख्या बिहार में भी करीब 7 लाख है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप 25 सड़कें बना देंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन जब तक हमारे घर में शांति नहीं रहेगी, हमारे घर में लोग शराब पीते रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद आज लागू किया, और आज ये समझिए कि 20 महीने से ज़्यादा इसको लागू किए हो गया है। कई तरह के सर्वे इस पर आ चुकी हैं, और सबसे यही पता लगता है कि इससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस थे उसमें सुधार हुआ है, एक्सीडेंट्स जितने केसेस थे उसमें कमी आई है, शराबबंदी आप सब सहमत हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। आखिर हमारे देश के जो हमारी पार्टी के जो हमारे देश के जो और हमारी पार्टी के जो आइकन हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर साहब और कर्पूरी जी, सब लोगों की ये सोच रही है कि जब तक लोगों के मन में, समाज में शांति का माहौल नहीं रहेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने तो इतना तक कह दिया था कि एक दिन का अगर हमको शासन मिलेगा तो मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बिहार में खुशहाली आई है, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पहले जिन घरों में लोग, गरीब आदमी खास करके, बड़े लोगों को छोड़ दें, शराब पीते थे, उसके साथ जो खाते थे, रोज करीब 200 से 300 रुपए उनके खर्च होते थे, महीने में 6000 से 9000 रुपए खर्च हो जाते थे, आज 20 महीने में अगर आप देखिएगा तो एवरेज 1.5 से 2 लाख उनके घरों में बचत हुई, और इसका प्रभाव आपको सामने दिखेगा। छठ का पर्व होता आप सब जानते, आप जाकर के देख लीजिए पहले क्या होता था,
जो कपड़े पहनते थे लोग, बच्चे बच्चियां, महिलाएं पुरुष, आपको लग जाता था कि कौन किस समाज का है, किस इनकम ग्रुप का है। लेकिन अगर आप इस बार अगर देखे होंगे, और हम लोग तो देखते रहते हैं, उनके कपड़े में कोई परिवर्तन, अब उनके कपड़े से आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन किस समाज का है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जो उनके पैसे बचे हैं उनको उन्होंने जिसमें माचिस नहीं लगाया, बल्कि अपने जीवन के स्तर को सुधार करने में खर्च किया। आज इसका उदाहरण है जो सर्वे हुआ है, अगर आप देखेंगे तो रेडीमेड के जो कपड़े हैं उनकी बिक्री 45 से 50% अधिक बढ़ी है। लोग दूध का जो खपत है वो बढ़ा है, मिठाइयों की खपत बढ़ी है, जो बीमारियां होती थी उसमें कमी आई है। तो ये दर्शाता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम चलाने से किस तरह का माहौल बनता है। और इन्हीं महिलाओं ने फिर कहा कि नीतीश जी, शराबबंदी से तो हमको फायदा हुआ है, दहेज बंदी कर दीजिए तो हमारे यहाँ और भी अच्छा माहौल। और इसी को लेकर करके हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हमारे पूरे एनडीए ने इसके साथ खड़ा होने का निश्चय लिया। और आज आप देखिए कि बिहार में ये माहौल बन गया है, और हम लोग अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं, कानून पहले से बना हुआ है, ये अनुरोध कर रहे हैं कि शादी में जो कार्ड आप छपवाएं तो आप लिखें उसमें कि जो शादी हो रही है इसमें किसी भी दहेज का लेन देन नहीं हुआ। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि कार्ड में लिखिए कि लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा और लड़कियों की उम्र 18 साल से ज्यादा। ये इस तरह की अगर हम लोग जागृति पैदा कर देंगे तो समाज में लोग इसके प्रति जागृत होंगे, और कानून तो पहले से ही है, कानून अपना काम करेगी। तो ये इस तरह का जो काम हमारे सरकार में हो रहा है, और इसमें जो हमारे केंद्र के सभी लोगों का सहयोग है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, पहली बार जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर एशियान के 10 शासनाध्यक्ष यहाँ आए, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। पहले बहुत मुश्किल से एक आते थे, और पूरा का पूरा एशियान आपके साथ था। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी वो डावोस में गए थे, पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री डावोस गए, कभी बोलने का अवसर नहीं मिलता था। पहली बार वो गए, वहां बोले, और किन मुद्दों पर बोले जो आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि आज पहली बार आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका जिक्र भी अभिभाषण में हुआ है, हम लोगों ने किसको हराया? उस देश को हराया जो हमारे ऊपर शासन करते थे, उनके साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता, उनको हरा करके हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीते हैं। ये पूरा का पूरा जो आज जो हमारा विदेश में छवि बनी है इस देश की, और आप जानते हैं विदेश में छवि ऐसे नहीं बन जाती, जब तक आपकी डोमेस्टिक स्थिति अच्छी नहीं होगी विदेश में आपको कोई नहीं पूछेगा। घर में जब आप मजबूत होंगे तो बाहर में भी आपकी कदर होगी, बाहर में लोग इज्जत करेंगे। और यहां जो निर्णय लिए गए उसके चलते जो पहचान आज बनी है, उसी के चलते आज हमारा सब जगह लोग आज सुनते हैं। और आप सामने देख लें, जिसकी चर्चा अभिभाषण में भी किया गया है, इसरो ले लीजिए, इसरो में 100 सैटेलाइट छोड़ा गया, और एक एक बार में सैटेलाइट 104 छोड़ा गया। साहब पहले जब इसरो बना था किस परिस्थिति में बना था? जब कोल्ड वॉर का समय था, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ली गई, और लोग ये समझते थे कि हिंदुस्तान में जो इसरो का पूरा जो मॉडल होगा, ये जो जिसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अभी हाल में जो सैटेलाइट छोड़ा गया इसरो के द्वारा, मल्टीपल सोमा जो था उसमें अमेरिका का भी, उसमें फ्रांस का भी, उसमें कनाडा का भी सैटेलाइट। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार इसरो में हमारे साइंटिस्टों ने काम किया, और इसके चलते हमारी पहचान बनी है। अभी देखिए अमेरिका के
डिफेंस मिनिस्टर है, वो तेजस हमारा जो प्लेन है उसको उन्होंने उड़ाया। तो ये दर्शाता है कि पहले हमारे लोग विदेश जाते थे कटोरा लेकर के कि हमको गल्ला चाहिए। आप याद करिए पीएल 4680 का इलाक समय का अमेरिका किस तरह से आपको डिक्टेट करता था। लेकिन आज इस देश में देखिए हमारे किसानों ने 275 मिलियन टन अनाज, 300 मिलियन टन सब्जी और इसी प्रकार से मछली, दूध, अंडा, शहद का उत्पादन जो किया है, अब हम लोग खाद्यान्न के किसी के सामने हाथ नहीं पसारते। पहली बार क्या मांग होती है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बाहर से नहीं आने देना है, हम उस पर ड्यूटी बढ़ाने की मांग करते हैं। ये हमारे देश के किसानों ने जो काम किया है उसके बदौलत हमारी जो एक पहचान बनी है, इसी के चलते आपको आज बाहर लोग इज्जत करते हैं। तो ये इस तरह का काम इस देश में हुआ है। और अभी इस जो हमारा अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने किस बात की चर्चा की, वो चर्चा किया है जो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, कि जो इस देश में आजादी मिली तो इस आजादी का एहसास समाज के सब तबकों को होना चाहिए और विकास जो हुआ है सबके बिल्कुल घर के अंदर पहुंचना चाहिए। तीन चार बातों का मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने किया है। सबसे पहला जो शौचालय का जो टॉयलेट है, आप जानते हैं हमने बताया कि हमारे पार्टी के हम लोग का पुरोधा लोहिया जी रहे हैं। लोहिया जी क्या कहा करते थे, नेहरू जी से कहा करते थे, लोग चले गए नहीं तो बताते ही इनको कि भाई आप शौचालय बनवा दीजिए हम आपका विरोध करना छोड़ देंगे। इनको मौका मिला, इतने वर्षों तक शासन किए इनको याद ही नहीं रहा कि शौचालय का क्या महत्व है। कल बोल रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे थे जो शौचालय बनाए हैं उसमें से 30% ही काम करने लायक है। मानना पड़ेगा कम से कम 30% तो काम कर रहा आपके हिसाब से, आपकी तो ये सोच भी नहीं थी। अगर 1947 से काम किए होते उसमें कितनी आबादी थी हमारी, 36 करोड़, आज हमारी आबादी 130 करोड़ है। यहां शौचालय बन गए होते, और शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, ये समझना है कि ये जो गैर बराबरी है समाज में उसको कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। पहले शौचालय कहां होता था, सिर्फ शहरों में, बड़े बड़े घरों में, और आज आप जब गरीब आदमी के पास भी हो रहा है तो उनका एक सेंस ऑफ पोजिशन जो है, उनका जो डिग्निटी है, उनको भी लगता है कि मेरे पास भी शौचालय। तो ये जो एक सामाजिक बदलाव है जिसको बार बार कहते हैं सामाजिक न्याय, तो आज जो आप जिस समझ ये पूरा शौचालय बड़ी छोटी चीज लगती है लेकिन ये बहुत बड़ा है, और इसके चलते समाज में काफी इसका जो है समझिए प्रभाव पड़ा है। लोग इसके प्रति आकृष्ट हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है। और पहले भी हमारी सरकार जो बिहार में है, हमारे एनडीए के सब साथ में है, वहां पर भी हम लोगों ने लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम पहले से चला रखा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है, इससे हम लोगों को और भी ताकत मिलेगा और निश्चित रूप से ये बहुत ही कामयाब होगा और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा कार्यक्रम जिसके बारे में इतने बहुत ही हल्के से बोल रहे थे कल वो, और वो है आपका जो उज्ज्वला जो योजना है जिसके तहत आप गैस कनेक्शन देते हैं। इनको जो मौका मिला है नहीं सुने तो जरा पता चलेगा इनको, इनको जो मौका मिला तो क्या करते थे, इनको भी लगता था कि लकड़ी से खाना बनाने में, कोयला से खाना बनाने में, किरासन तेल से खाना बनाने में जो धुआं उठता है उससे बड़ा नुकसान होता है महिलाओं को, बच्चों को। कार्यक्रम इन्होंने भी चलाया, क्या था, स्मोकलेस चूल्हा, धूम्र रहित चूल्हा। हम तो जिले में थे उसमें, हम सीडीओ हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, ये 20 सूत्री का एक रिव्यू होता था कि आपके जिले में कितने स्मोकलेस चूल्हा बने। ये सोच नहीं थी कि वो गरीब आदमी को भी गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। अगर ये सोच आपकी रही होती उसमें तो गैस का कनेक्शन, आप याद करें सांसद लोगों के पास कोटा होता था,
ये जरा समझ लीजिए इसको अभी किस तरह से नीचे पहुंचाया जा रहा है और इसका लाभ जरा आप देखिए गांव सब में कि किस तरह से महिलाओं को लगता है कि उनके पास भी अब गैस का कनेक्शन है और एक पूरा का पूरा स्वच्छ जिसको हम लोग कहते हैं वो ईंधन है। तो ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्र के जो हमारे साथी लोग हैं उनको बधाई देना चाहते हैं कि 8 करोड़ का आपका लक्ष्य है, ये साधारण नहीं है। 8 करोड़ परिवार को अगर ये मिल जाएगा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके आगे आप चलें जरा बिजली, बिजली का क्या था साहब जब इनको मौका मिला था? ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में क्या इनका डिफिनेशन था? है नहीं है। ये कहते थे कि आपके गांव के किसी भी किनारे से अगर एक पोल गुजर जाए तो मान लिया जाता था कि वो गांव विद्युतीकृत है, ये इनका डेफिनेशन था। और आज आप देखिए क्या है विद्युतीकरण का, शहर में बिजली, देहात में बिजली, गांव में बिजली, घर में बिजली का हम लोगों का कि घर घर कनेक्शन देना। हमारे बिहार में जो 7 निश्चय चलाया जा रहा है और अभी जो सौभाग्य योजना है जिसमें 4 करोड़ लोगों को देना कनेक्शन, ये हर एक घर को मुफ्त कनेक्शन देना, आप देखिए कितना बड़ा इसमें से जो है सामाजिक परिवर्तन आएगा। पहले क्या होता था, बिजली नहीं रहने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, 6 बजे 7 बजे के बाद वो पढ़ नहीं सकते थे, और आज बिजली है तो बच्चे जब तक इच्छा है पढ़ते हैं, वो जितने और भी काम है वो करते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरा सिर्फ एक अनुरोध होगा कि शौचालय बनाया जा रहा है, आप गैस कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, 7 निश्चय में बिहार में जितने भी ग्रामीण हमारे इलाके हैं, जितने भी हमारे कस्बे हैं, सब बसावट में सबके घर के पास तक पक्की गली और पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। पूरे देश में लोगों के पास 70 साल के बाद तो कम से कम बिना पैर में कीचड़ लगे अपने घर में प्रवेश करें, ये हम लोग करना चाहिए। इसके अलावा हर एक के घर में शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए और 7 निश्चय में बिहार में नल का जल की योजना है। आप जानते हैं कि पेयजल कितनी बड़ी समस्या है, कई जगह गंगा किनारे पूरा का पूरा आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, बहुत बीमारियां होती है, और जब ये पाइप वाटर आप सप्लाई करते हैं तो स्वच्छ पानी मिलता है और इससे लोगों को बहुत फायदा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, इसको लागू करना चाहिए। किसान के बारे में आप देखिए, किसान के बारे में जो घोषणा किया गया है कि साहब हम उनको जो है 1.5 गुना लागत का, इसमें मेरा एक ही सुझाव होगा कि अब तक जो हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी रही है, हमारा प्रोडक्शन बेस्ड रहा है कि हमको इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है और प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा MSP से लिंक्ड रहा है, इसमें पूरा का पूरा एक बदलाव की जरूरत है। अब हम लोगों को जो हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है उसमें किसान को सेंटर में रखते हुए कि कैसे पर हेक्टेयर किसानों की मिनिमम आमदनी गारंटी की जाए, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो अभी CACP है जो कॉस्ट का निर्धारण करती है उसका नाम भी बदला जाए और उसका मैंडेट भी बदला जाए, उनको बताया जाए कि भाई आज आप देखिए सब जगह आप मिनिमम गारंटी देते हैं सब चीज का, मनरेगा में भी आप 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी देते हैं, 250 से 300 रुपया देते हैं, 25 से 30 हजार रुपया उनके लिए भी गारंटीड है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, कैजुअल लेबर हैं, उनका भी मिनिमम आप फिक्स करते हैं। तो आखिर किसान लोग क्या अपराध किया साहब, जिनके लिए मिनिमम गारंटी नहीं होनी चाहिए पर हेक्टेयर, और किसान आप समझ लें कि जब काम करता है तो किसी से कम काम नहीं करता। तो आज ये हम लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए। MSP की एक फॉर्मूला बना वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को अब उस तरफ बढ़ना चाहिए कि कैसे किसानों को प्रति एकड़ साल भर में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी की गारंटी हो, तब जाकर के उनको लगेगा कि नहीं साहब हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। 2-3 बातें मैं और एक मिनट सभापति जी, मैं 8वां साल में हूं, क्योंकि मेरे ऐसे नेता रहे कि मुझे कभी बोलने नहीं दिए, तो मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए कुछ को। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, बोलने दीजिए। अभी अभी जब ये कल मैं सुन रहा था टीवी पर गुलाम नबी आजाद जी को, उन्होंने कुछ बातें कही है और आज भी जो मुद्दा उठा था उसको मैं सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने राज्यपाल के पद की बात लाई है, मैं जरा याद दिलाना चाहता हूँ, इसलिए बाहर चले गए जहां भी हो सुन लें, इन लोगों को याद करना चाहिए 21 मई 2005 को क्या किया था बिहार में। उस समय आपको याद मैं करा दूं कि फरवरी 2005 में चुनाव हुआ था, बिहार में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, सरकार नहीं बन पाई थी, प्रयास चल रहे थे, उसी बीच में एक पार्टी में डिवीजन हुआ, पार्टी के लोग समर्थन में आ गए, वहां सरकार बनने जा रही थी एनडीए की। इनके जो उस समय के राज्यपाल थे मैं नाम नहीं लूंगा, 21 तारीख को आफ्टरनून में रिपोर्ट भेजते हैं दिल्ली, दिल्ली में रात में कैबिनेट बैठती है रात में, और कैबिनेट में दोपहर आधी रात में निर्णय होता है कि वहां जो असेंबली उसको भंग कर दिया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी रूस में थे, उनको फैक्स किया गया और वहां से मंगाया गया 2 घंटे में और वहां विधानसभा को भंग कर दिया गया। आप समझिए बात करते हैं गवर्नर की, ये क्या किए थे, ये क्या किए थे। और उसके बाद साहब अक्टूबर में फैसला दिया कोर्ट ने, पढ़ लें फैसला को, सब वकील के पास भरे हुए हैं। फरवरी में भी फैसला दिए, पढ़ लें क्या क्या, याद कर लीजिए 84 में क्या किया था आप इसके पूरा का पूरा कश्मीर में, पढ़ लीजिए सारे किताब में लिखा हुआ किस तरह से लोगों को तोड़ने के लिए आईबी के बैग में रुपये भेजे गए थे, किसके पास भेजा जाता था, गवर्नर के पास। और आज इनको मिर्ची लग रही है, ये एक बात होती है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कल, कह रहे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरदार पटेल का नाम नहीं लिए, बड़ी चिंता हो रही सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल कभी भी उनकी डेथ हो गई 1950 में, 1952 से चुरा हुआ इनके टिकट पर नहीं लड़ पाए, अच्छा हुआ। लेकिन जरा याद दिलाना चाहते हैं इनको कि सरदार पटेल को ये लोग क्या किए, 1954 में पहली बार भारत रत्न यहां शुरू हुआ, 3 लोगों को दिया गया, सी राज गोपालाचार्य जी नंबर 1 थे, पटेल साहब का नंबर कब आया 1991 में 25 में नंबर पर, और वो तब जब उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब, 55 में जवाहरलाल नेहरू 6 नंबर पर पाली, 71 में मिसेज इंदिरा गांधी पाली, और आप आ जाइए 1991 में पटेल साहब से ऊपर ही 24 नंबर पर राजीव गांधी पाली। सरदार पटेल को कहां पहुंचा दिया आपने, तो सोचा भी नहीं कि इनको भी जो है भारत रत्न देना चाहिए। एक समय था जब कौन थे, गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल, आपने नहीं दिया उनको, और आज आप बोल रहे हैं। हम तो बधाई देना चाहेंगे भाजपा के लोगों को हमारे कि कम से कम रन फॉर यूनिटी इस बार कराया सरदार पटेल के नाम पर, और गुजरात में उनकी बड़ी भारी मूर्ति बना रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। सरदार पटेल की मौत हुई साहब, राजेंद्र बाबू से उनके संबंध थे, राजेंद्र बाबू गए, कितनी तकलीफ हुई इनके उस समय के प्रधानमंत्री को, मानवता की पुकार थी, उस समय के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था उनके उसमें, गए नहीं, ये समझिए सरदार पटेल का। और जरा सोच लीजिए, आज आप देख लीजिए इस देश में एक परिवार के 3-3 प्रधानमंत्रियों का बना हुआ है साहब जमुना के किनारे, और एक तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे सिर्फ एमपी थे, उनका भी है 4 लोगों का, और शुरू करिए त्रिमूर्ति से लेकर के अकबर रोड से लेकर के सफदरजंग रोड तक कितने मेमोरियल बने हुए हैं। और सरदार पटेल जिस घर में रहते थे एक औरंगजेब रोड में जाके पता कर लीजिए क्या है, नर्सरी है, नर्सरी ये है आपका सरदार पटेल के बारे में आपने सोचा है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि आपने सरदार पटेल के इतना अच्छा काम किया है, एक बड़ा मेमोरियल सरदार पटेल के लिए दिल्ली में औरंगजेब रोड पर बनाइए। सरदार पटेल अगर रहते तो आज ये कश्मीर की समस्या नहीं होती, ये रोज रोज तिब्बत में आपको भुगतना पड़ता, ये नहीं होता। और मैं इनको याद कराना चाहता हूं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग,
कि सरदार पटेल की लास्ट चिट्ठी है। समाप्त कीजिए, ठीक। हाँ, थोड़ा सा समय बचा, जल्दी जल्दी सर, थोड़ा सा समय। 7 नवंबर 1950 को उन्होंने पत्र लिखा है नेहरू जी को कि जो चीन कर रहा है तिब्बत में सावधान हो जाइए। नेहरू जी काहे को लिए पढ़ते, आप जरा समझिए, सरदार पटेल नहीं होते तो आज एक कश्मीर नहीं 565 कश्मीर होता। और ये सरदार पटेल की देन है, तो बता रहे थे साहब वो याद कर रहे हैं। और आज इस बार कहां गए थे? गए थे दिल्ली, अब गए थे गुजरात, और पाटीदारों को कह रहे थे हम देंगे आपको आरक्षण। चुनाव खत्म हो गया, गए वहां कहां? जा रहे हैं साहब वहां मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं, उसकी तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। आपको चर्चा करना चाहिए था, और क्या चर्चा करेंगे? जब आरक्षण लागू किया गया यहां मंडल कमीशन पर, तो उस समय के प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए कि क्या कहा था उन्होंने। और इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि पहली बार यहां जो हमारा पूरा का पूरा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज है उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की। अरे साहब 2012 में जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओबीसी बना, उसमें मेंबर थे, पहले दिन हम लोग ने प्रस्ताव पारित किया कि साहब इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कितनी खराब स्थिति है, 90 में ये बना। ठीक है, दो मिनट, दो मिनट, नहीं नहीं जल्दी इसको पूरा हम कर देते हैं। अरे दो मिनट जी मैडम, दो मिनट के लिए 15 मिनट होता है, हो गया है ये हम दो मिनट में खत्म करते हैं ना, खत्म हो गया, बैठिए। हम ये अंतिम बात हम बता रहे हैं आपको, 1990 में ये बैकवर्ड कमीशन बना, क्या काम दिया गया था? सिर्फ बैकवर्ड जाति में कौन है उसको उसको जोड़ना और घटाना, कोई अधिकार नहीं। अगर किसी को किसी शिकायत है तो कहां भेजना है साहब? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में, बताइए साहब क्या किया? आप यहां पर लाया गया है तो तरह तरह का विरोध कर। उसके बाद फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने, जन नायक ने 1978 में बैकवर्ड में भी दो बनाए थे जो अति पिछड़े हमारे नेक्चरवन में, जो अति पिछड़े हैं, पहली बार सरकार ने एक आयोग बनाया है जहां पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं उनको अधिकार देने की बात आ रही है। और ये बात करते हैं आजकल पिछड़े की, अति पिछड़े की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक बात अगर आप चूंकि अनुमति नहीं दे रहे हैं मुझे, दो बात चूंकि मैं सामने था, एक मिनट, एक बात कही गई जो इसके अंतिम बात है, ये एक बात आई कि साहब बार बार कहते हैं कि साहब हम लोग चूंकि एनडीए में हैं कि साहब आप लोग जो हैं बड़ा कॉम्युनल हैं, समाज में पोलराइज कराते हैं। एक उदाहरण देकर खत्म कर रहा हूं अपनी बात। आप याद करिए 1984 में चुनाव हुआ था, 1985 में साहबानों को जजमेंट हुआ, उस समय क्या स्थिति? एक अच्छा, बहुत अच्छा इसमें स्टेटमेंट है कि हम लोगों को साहब जो है तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण की नीति होनी चाहिए। क्या किया उसमें उनके लिए? तो पूरा का पूरा साहबानों का अमेंडमेंट 40 दिन के अंदर ला दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको भी रोक दिया। हिंदुओं के लिए क्या कहा? मैं उसमें बगल में फैजाबाद के बगल में सुल्तानपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। आप बता दें 1 फरवरी मुझे याद है 1986 को ताला खोला गया, बगल में बैठ हमारे थे आज विनय कटियार जी, उस समय के डीएमएसपी से कहा गया कि भाई अगर ताला खोल देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये फैसला जिस दिन हुआ 40 मिनट के अंदर वो साहब ताला खोल दिया गया, और उस समय इतना चैनल नहीं था, लेकिन उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर गई दूरदर्शन ने, लाइव किया कि भाई देखो ये ताला खुल रहा है। और आज ये बात कर रहे हैं, किसने इस कार्ड को खोला? उसके बाद दंगे हुए हमारे बिहार में, भागलपुर में, हम यूपी में, हमारे मेरठ में दंगे हुए, और सबसे पहला दंगा हुआ जिसमें अमेठी में, जहां उसमें के प्रधानमंत्री थे मुसाफिर खाना में, उसी ऊपर। तो आपको तो जब मौका मिला साहब तो आपने इधर सोचा कि साहबानों केस में इस तरह का मामला कर दें, उधर ताला खुलवा दें तो साहब सब खुश हो जाए। एक बार जब आप पंडोरा बॉक्स खोलते हैं तो आपको पता नहीं क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। इसीलिए ये बार बार जो कहते हैं इसको खत्म करना चाहिए, और सब लोगों को मिलकर करके धन्यवाद, इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सबका विकास हो सके, और यही हमारे राष्ट्र के। बहुत बहुत धन्यवाद।